एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। तो दोस्तों, आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि है बच्चों के बालों को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, बच्चों की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो बहुत ही ध्यान से हमें उनके बालों को रिमूव करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप बच्चों के बालों को रिमूव कर देते हैं छोटी ही उम्र में नेचुरल चीजों से, तो बड़े होकर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, खास करके लड़कियों को। तो मेरी भी ट्विंस बेटियां हैं, तो उनके ऊपर मैं ये रेमेडी यूज करती हूँ, कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनके बाल जो है बहुत ज्यादा, कुछ बच्चों के बाल बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि मेरी ट्विंस हुई थी, एक के बाल बहुत ज्यादा थे, जैसे कि उसके फोरहेड के ऊपर बहुत ज्यादा बाल थे, पूरा फोरहेड ब्लैक हुआ पड़ा था बालों के साथ, बट दूसरी के बाल नहीं थे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ बच्चों के बाल वैसे ही रिमूव हो जाते हैं जब, क्योंकि आप मालिश करते हैं, उनको नहलाते हैं तो बाल चले जाते हैं। पर फिर भी अगर आपके बच्चों के बाल नहीं जा रहे हैं या फिर आपकी गर्ल्स हैं, तो उनके जो है लेग्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि बड़े होकर बाल नहीं आए, तो आप एक रेमेडीज को यूज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रेमेडीज जो है मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी और उनको उनकी मम्मी ने बताई थी, इसी तरह से ये परंपरा चली आ रही है। तो मैंने भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह से बच्चों के बालों को रिमूव किया जाए। तो दोस्तों, इसके दो स्टेप है, तो मैं आपके साथ दोनों ही शेयर करूंगी। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है ये है 2 महीने से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए, उसके बाद 2 साल के बच्चे से लेकर 10-12 साल के बच्चे के लिए अलग रेमेडी होती है। जो पहली रेमेडी है वो 2 साल के बाद बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, गलत रेमेडी को यूज कर लेते हैं, फिर बच्चों के बाल बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ बिल्कुल सही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 2 महीने तक आपको उनके ऊपर कुछ भी यूज नहीं करना है। सिंपल उनकी मालिश कीजिए, उसके बाद उनको नहला दीजिए, आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है 2 महीने तक, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उन 2 महीने के बाद अगर आप कोई भी होम रेमेडीज उनके ऊपर यूज कर रहे हैं तो उसका पैस टेस्ट जरूर करना चाहिए, चाहे वो आपकी स्किन हो चाहे वो बच्चों की स्किन हो। तो आपको पैस टेस्ट किस तरह से करना होता है, जो भी आप रेमेडी बनाते हैं उसको थोड़ा सा आपको लेना होता है, थोड़ा सा पेस्ट, और थोड़ी सी जगह पे अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए 1 दिन तक, देखिए। अगर तो आपको वहां पे कोई भी रैशेज, कोई भी इचिंग नहीं हो रही है तो ही आपको उसको यूज करना होता है, अदरवाइज आपको उसको यूज नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज यूज करते हैं तो उसका पैस टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि सबकी स्किन सबसे अलग होती है, सेम स्किन किसी की भी नहीं होती है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 2 महीने तक आपको बच्चों के बालों के ऊपर, फेशियल हेयर के ऊपर, फेस के ऊपर सिर्फ ऑयल की मसाज के अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो जब आपके बच्चे 2 महीने के हो जाएं, तो 2 महीने के बच्चों को के लिए आपको बनाना है ये उपटन, और इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं पर यूज करने का सही तरीका नहीं यूज करते हैं, जिसके कारण उनको, उनके बच्चों के जो बाल है वो नहीं जाते हैं। तो इसको सही तरीका, इसको यूज करने का पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसको बनाना किस तरह से है। दोस्तों, इस उपटन को यूज करने से पहले आपको क्या करना है, बच्चों की जैसे जो भी तेल से आप मालिश करते हैं उस तरह से मालिश करनी है आपको। उसके बाद आपको जो है ये गोलियां बना लेनी है। बहुत से लोगों को पता होगी कि ये गोलियां किस तरह से बनती है, पर जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाने के बाद जैसे ही आपने मालिश की, उसके बाद क्या होता है, जो बाल होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और जो उनके पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आपको इसको यूज करना है। अगर आप इन गोलियों को सीधा ही उनकी स्किन के ऊपर स्क्रब की तरह लगाएंगी तो बच्चों के शरीर के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मालिश करनी है, उसके बाद आपको 5 से 6 गोलियां बना लेनी है। जो गोली आपको फेस के ऊपर यूज कर रहे हैं उसको आपको हाथों पे यूज नहीं करना है, जो हाथों पे कर रहे हैं उसको फेस के ऊपर यूज नहीं करना है। तो इसीलिए आपको 5 से 6 गोलियां इसको बनानी है। तो जैसे ही आपने मालिश कर ली, आपको क्या करना है, 1 गोली लेनी है, और जैसे कि फेस है या फिर हैंड है तो आपको वहां पे जैसे कि ओपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रब करना है, इस तरह से आपको करना है, इस तरह से। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है।
तो इस तरह से आपको करना है, बहुत ही हल्के तरह से, बस 2 से 3 मिनट फेस के ऊपर लगा लीजिए, आर्म के ऊपर 2 मिनट लगा लीजिए, पूरी बॉडी के ऊपर 2 मिनट लगा लीजिए, इस तरह से 10 से 12 मिनट करके आपको इसको करना है। और वीक में आप इसको 3 से 4 बार ही कीजिए तो इनफ है, रोज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये 2 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों तक ही वर्क करती है, 2 साल के बच्चों के बाद ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। तो दोस्तों, पहली रेमेडी को किस तरह से बनाना है आपको, सबसे पहले आपको एक लेना है खाली क्लीन बाउल, और उसके बाद आपको डालना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है बच्चों की स्किन के ऊपर, खास करके क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसके बाद आपको लेना है इसमें पिंच ऑफ आपको लेना है हल्दी का। तो दोस्तों, मैं आपको डेमो ही बता रही हूँ, आप बच्चों के हिसाब से, पूरी बॉडी पे लगाना है तो उस हिसाब से लीजिएगा। और जो आपको हल्दी लेनी है पूरी बॉडी के लिए, 3 पिंच से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके बाद आपको लेना है ऑयल, तो ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आलमंड ऑयल ले लीजिए, या फिर आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को मस्टर्ड ऑयल सूट करता है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करती थी। तो दोस्तों, जब आप कोकोनट ऑयल लें तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ही लें, दूसरे वाला मत ले जो पैराशूट वाला होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, ये स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा भी करता है और स्किन को एकदम से निखारता भी है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि ये घर पर आप किस तरह से कोकोनट ऑयल बना सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, घर पे भी आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इसको मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के, और इसके बाद इसकी गोलियां बना लेनी है। तो ये गोलियां को किस तरह से यूज करना है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जब आप इस गोलियों को यूज़ करोगे स्किन के ऊपर तो ये गोलियाँ जो हैं खुद ब खुद जो हैं घुल जाएगी और बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो इस तरह से देखिए आपको यूज़ करनी है, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों, 2 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों को बालों को किस तरह से रिमूव करना है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब 2 साल से लेकर 10 या 12 साल के बच्चों के बालों को किस तरह से आप रिमूव करने कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे ये भी कमेंट आता है कि हमारे बच्चों का रंग जो है हमें साफ करना है, तो इससे आपके बच्चों का रंग भी साफ होगा। ये है दूसरा उपटन जो कि आपको यूज करना है। तो इसको आपको कितनी देर यूज करना है, वीक, तो वीक में 3 बार यूज कर लीजिए, सफिशियंट है। रोज यूज करने की भी आपको जरूरत नहीं है, पूरे फेस के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने, जैसे कि बच्चों की मालिश करते हैं तो आपको इससे उनकी मालिश करनी है। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि ऑयलिंग की आप मालिश करते हो उसके बाद आपको उपटन लगाना होता है, सेम इसी तरह से अगर आपके बच्चे जो है 2 साल से 5 साल तक है, आप उनकी मालिश करते हो उसके बाद उपटन लगा लीजिए। और अगर आपके बच्चे 5 साल के हो गए हैं तब वो आप मालिश नहीं करते हैं, तो आप सिंपल ही ये उपटन उनके फेस के ऊपर, बाजू के ऊपर यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको यूज करना है। इसको लगाना किस तरह से मैं अपनी डॉटर के ऊपर लगाकर भी दिखाती हूँ, और उसके बाद उसको उतारने का तरीका भी दिखाऊंगी, और इसको बनाना किस तरह से है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको टाटा बाय बाय, बट आपको जाना नहीं है, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी सजेशन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरी तरफ से टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों, मेरी जो बेटी है वो 8 ईयर्स की है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको वहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फेशियल हेयर है, या फिर पूरे फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस तरह लगाने के बाद आपको जो है, जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है, बस 2 मिनट रखिए, उसके बाद कच्चा दूध लीजिए, कच्चा दूध लेकर इस तरह से मालिश करते हुए निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, मैंने बहुत आराम से किया है, तो इससे बच्चों का रंग भी निकलेगा और सारे बाल भी निकल जाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, वीक में 3 बार यूज़ करोगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आराम से यूज कीजिए, हल्के हल्के हाथों से, यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है तो इसलिए तेज लग रहा है। तो देखिए इसको अभी बनाना किस तरह से वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है बेसन, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बेसन का, और उसके बाद उतना ही आपको लेना है गेहूं का आटा। तो दोनों ही बच्चों के स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बालों को रिमूव भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, रंग भी साफ करते हैं। तो इसके बाद आपको लेना पिंच ऑफ हल्दी का, और इसमें 2 से 3 ड्रॉप आपको किसी भी ऑयल के डालने हैं, चाहे आलमंड ऑयल डालिए, चाहे आप जो है कोकोनट ऑयल डालिए, या फिर आप जो भी आपको बच्चों को सूट करता है आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध लेने के बाद इस तरह का आपको पेस्ट बना लेना है।
अगर आपके बच्चे 5 साल तक है, 2 से 5 साल तक बच्चों के लिए जब आप मालिश करोगे उसके बाद आप इस उपटम को लगाकर मालिश कीजिए, उसके बाद नहला दीजिए। बट 5 साल के बच्चों के बाद जो मालिश है वो कम कर देते हैं हम, तो इसके बाद आप इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चों का नहलाना है पहले लगा दीजिए, और लगाने के बाद इस कच्चे दूध के साथ ही 1 मिनट 2 मिनट छोड़ दीजिए, फिर कच्चा दूध लीजिए, उसके साथ अच्छी तरह से रब कीजिए। रब करने के बाद उनको नहला दीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ कीजिए, तो वीक में 3 बार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे आपके बच्चों के बाल भी जाएंगे और आपके बच्चों का रंग भी साफ हो जाएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा।